फिश एटीएम। समंदर के किनारे एक गांव था, वहां दास नाम का एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज समुद्र में अपनी नाव में जाता मछली पकड़ के उन्हें बाजार में बेचकर वे पैसे अपने पत्नी को जाकर देता था। उसका एक बेटा था बन्नी। बन्नी को मछली पकड़ने का बहुत शौक था, लेकिन दास को यह पसंद नहीं था, इसीलिए वो बन्नी को स्कूल भेजता था पढ़ने के लिए। लेकिन छुट्टी वाले दिन वो जिद करके अपने पिताजी के साथ समुद्र में जाता और जाल फेंक कर वो भी मछली पकड़कर बहुत खुश होता था। एक बार अचानक दास की सेहत बिगड़ गई और उसने खाट पकड़ ली, तब घर चलाना मुश्किल हो गया था। ये देखकर बन्नी, मैं जाकर मछली पकड़ कर लाता हूँ, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे, आप मुझे ना रोके, कहकर उनकी बातों को अनसुनी करते हुए वो वहाँ से चला गया। इस तरह वो नाव में जाकर मछली पकड़ने लगा। कुछ मछलियाँ पकड़ने के बाद उसे लगा कि उसकी जाल बहुत भारी हो गई है और वो जोर से खींचने लगा। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंसी है। तब वो मछली, बेटा बेटा मुझे छोड़ दो, मुझे ना पकड़ो, तुम्हें जो चाहिए मैं करूंगी। तब बन्नी, माँ हम तो मछली पकड़ कर ही गुजारा करते हैं, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, अगर छोड़ दिया तो आप मुझे क्या दोगी। तब मछली, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, अगर वो वरदान पूरे हो गए तो मुझे छोड़ दोगे ना। तब बन्नी, क्या 3 वरदान दोगी, ठीक है पहले मेरे बापू का सेट ठीक कर दो, और दूसरा वरदान हमारा एक बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और 150 सोना होना चाहिए, और तीसरा वरदान हमें हर रोज बिना मेहनत के मछलियाँ मिलनी चाहिए। तब मछली, ऐसा ही होगा बेटा, जब तुम घर पहुँचोगे ये सब हो चुका होगा, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो पैसे तुम्हें मिले उसमें से कुछ पैसे गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करना, वरना सारे पैसों से तुम हाथ धो बैठोगे, खबरदार। ऐसा कहा, तब बन्नी ने उसे पानी में छोड़ दिया। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, और पिताजी एकदम तंदुरुस्त वहाँ खड़े थे, और उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा मछलियों का एटीएम है। जो कुछ हुआ उसने अपने माँ बाप को जाकर बताया, वो सुनकर बहुत खुश हुए। बाद में वो एटीएम के पास गए। एटीएम, देखो देखो मैं एक जादुई एटीएम हूँ, यदि आप मेरे अंदर एक मछली डालो तो मैं आपको 100 मछली वापस करूंगा, इस मौके का फायदा उठाकर आप लोग खुशी खुशी रहो। तब बन्नी, एटीएम दाता मुझसे उस जादुई मछली ने कहा था कि मैं अपनी कमाई में 1/4 हिस्सा गरीबों में बांटूं। अब हर बार इसे याद कौन रखे, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इस मशीन को ले जाकर बाजार में बीचों बीच रख दूं तो वहाँ हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। तब एटीएम, बन्नी बेटा तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, लेकिन बेटा हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता, इसलिए तुम मेरे अंदर बैठकर मुझे बताते रहो कि मैं उसे मछली दूं या ना दूं। इस तरह बन्नी उस एटीएम को ले जाकर गाँव के बीचों बीच रख दिया। फिर उसके बारे में उसने गांव वालों को बताया और कहा, आप मेहरबानी करके इसका फायदा उठा के पैसे कमाइए, लेकिन आप इस एटीएम को धोखा देने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा, तब लोग आकर एटीएम में एक मशीन डालने लगे। अंदर बैठकर यदि बन्नी उस आदमी को ईमानदार पाकर हाथ हिलाता तो एटीएम मछलियों का ढेर लगा देता। यह सिलसिला चलता रहा। इस तरह बहुत सारे गरीब एक मछली डालकर 100 मछलियां ले जाने लगे। एक दिन गब्बर नाम का डाकू अपने गिरोह के साथ वहां आया
और बंदूक दिखाकर लोगों को डराते हुए उस एटीएम को वहां से लेकर चला गया। वो नहीं जानता था कि बनी उस एटीएम के अंदर है। उसे अपने गुफा में जाकर उतारा और फिर अरे ओए सांबा, एक मछली तो देना रे। अगर ये एटीएम अपने पास रहा तो हमें डाका डालने की कोई जरूरत नहीं, हम मछलियों का एक्सपोर्ट करके आराम से जी सकते हैं। कहकर एक मछली उसने एटीएम के अंदर डाला। तब अंदर बनी जादुई एटीएम, ये सब डाकू है, इन्हें मछली ना देना, इन्हें सबक सिखाना, ऐसा कहा। बस एटीएम के अंदर से पिराना मछलियां बाहर आई और डाकुओं को काटने लगी। वे सब बाप रे कहकर चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। एटीएम उड़ते उड़ते वापस गांव के बीचों बीच जा पहुंची। उस दिन से गांव वाले उस एटीएम से मछली लेकर आराम से जिंदगी बसर करने लगे।